सिट डाउन कॉमेडी। क्या है आजकल हम सबकी बेसिक नीड बन चुकी है। आजकल स्टार्टअप कुछ ऐसे शुरू हो रहे हैं, MBA चाय वाला, BTech चाय वाला, और इसके पीछे का रीजन है हम सबकी चाय के लिए दीवानगी। मतलब हमको हर काम को शुरू करने के पहले और शुरू करने के बाद चाय ब्रेक तो चाहिए, और कई बार तो ऐसा होता है हमको चाय पीने के बाद में चाय ब्रेक चाहिए। बेस्ट प्लेसेस टू विजिट इन भोपाल, ये सर्च करने पर RTS और ITH भी आ जाते हैं। यहाँ बाबाओं की तरह चाय वालों के बहुत ही कट्टर मानने वाले हैं। मतलब एक दो इलेक्शंस तो ये चाय वाले भी प्रभावित कर सकते हैं। भोपाल के लोग चाय के लिए इतने दीवाने हैं कि दीपांशु, भोपाल के लोग चाय के इतने दीवाने हैं कि उन्होंने चाइनीज प्रोडक्ट को बस इसलिए बॉयकॉट कर दिया क्योंकि उसका नाम चाइना है। वेरी नाइस कृष्णा। भोपाल के लोग चाय के इतने दीवाने हैं ना, 5 रुपए की चाय के चक्कर में 50 का पेट्रोल भूक देते हैं। ओके अमन भाई, भोपाल के लोग चाय के इतने दीवाने हैं ना कि वो सुबह सुबह मुर्गे को उठा के बोल देते कि भाई चाय तो पी ले। ओके दीपांशु भाई, अगर दशरथ जी इनको 2 वचन देना तो ये दोनों बार चाय ही मांग ले। ओके भोपाल के लोग चाय के इतने दीवाने हैं कि वो मतलब कॉफी विद करण भी नहीं देखते क्योंकि इसमें चाय नहीं। यार इसमें तो मुझे लग रहा है किसी दिन चाय और कॉफी वालों के बीच में अगला बंटवारा होगा देश का। बिल्कुल। Sit down comedy। जब जब बस स्टैंड या फिर रेलवे स्टेशन से आप बाहर निकलो तो एकदम SRK वाली फीलिंग आ जाती है। हर तरफ से ऑटो वाले घेर लेते हैं, एक को मना करो दूसरा पूछेगा, दूसरे को मना करो तीसरा पूछेगा। मतलब ऑटो वाले और सिंगल लड़के ये बिल्कुल एक ही जैसे होते हैं, दोनों को ट्राई सफर करना है। वहीं ये कॉन्फिडेंट भी बहुत है। इनसे अगर जो पूछ लोगे हाँ भाई साहब चलना है ये 5 किलोमीटर कितना लोगे, कहेंगे आपकी जमीन जायदाद। तो अगला पॉइंट भी यही है कि भोपाल के ऑटो वाले इतने कॉन्फिडेंट हैं कि अमन, भोपाल के ऑटो वाले यार इतने कॉन्फिडेंट हैं कि वो मेरे को लगता है किसी दिन रफेल उड़ा देंगे। 50 का पेट्रोल डला के। कृष्णा, भोपाल के ऑटो वाले इतने कॉन्फिडेंट है ना भाई साहब। एक दिन मैंने पूछा अंकल नादरा जाना है, कहते हाँ चले जाओ, मेरे से क्यों पूछ रहे हैं। मतलब बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट है। एक दिन रेड बस वाले से बोल रहे आजा आजा तुझे MP नगर छोड़ दूँ। ओके हाँ दीपांशु, भोपाल के ऑटो वाले इतने कॉन्फिडेंट है कि संदीप माहेश्वरी इनसे मोटिवेशन लेने आ रहे हैं। अमन भाई, कभी कभी यार टाइम को पीछे छोड़ देते हैं, स्पीड इतनी है। सिट डाउन कॉमेडी। ऑटो वाले पहली बार में जितने पैसे मांगते हैं उनको सुनकर ऐसा लगता है कि ऑटो का किराया नहीं डाउन पेमेंट मांग रहे हैं, ऑटो ही तुम्हारे नाम कर देंगे। सिट डाउन कॉमेडी। यार कोविड के आने के बाद में हमारी जिंदगी में एक नई चीज ऐड हुई, वो है वर्क फ्रॉम होम। ये वर्क फ्रॉम होम भी ना शादी की तरह शुरू शुरू में तो बड़ा अच्छा लग रहा था, लेकिन कुछ ही दिनों के बाद समझ आ गया कि भाई साहब उतना भी आसान नहीं है। ये बॉस और घर वाले दोनों को ही लगता है कि ये कुछ काम ही नहीं करता, और एक हम हैं जो पूरे दिन खाली नहीं रह पाते। तो अगला पॉइंट सिट डाउन कॉमेडी में यही है कि वर्क फ्रॉम होम इतना इंटरेस्टिंग होता है कि कृष्णा, वर्क फ्रॉम होम सही में इंटरेस्टिंग होता है। उधर बॉस आपको मैसेज कर रहा है काम करो, और आप कह रहे हो रुको जरा सबर करो। ऐसा होता है क्या? मेरे साथ तो आज तक नहीं, मेरे तो घर आ जाते हैं बॉस। हम दोनों एक ही घर से काम करते हैं। ओके दीपांशु, वर्क फ्रॉम होम इतना इंटरेस्टिंग होता है कि मुझसे ब्रेक लेने के लिए ना भाई मेरे मम्मी पापा सोलो ट्रिप पे निकल गए। अमन भाई, और मेरे को है ना फाइनली घर वालों ने रोक दिया कि भाई अब मत कर शादी, चल ठीक है यही कर ले। दीपांशु, और मुझे पता चल गया कि भाई की 3 सीटी आने के बाद अगर आप गैस बंद ना करो ना तो मम्मी आपको बॉस के सामने भी जलील कर देगी। कृष्णा, और एक मेन पॉइंट ये भी है, वर्क फ्रॉम होम में आपको तैयार नहीं होना पड़ता, लोअर पहन के भी आप कर सकते हो। नहीं, ऊपर से तो होना पड़ता। वो भी है। ऊपर से टाई लगा के नीचे शॉर्ट्स में बैठते। मैं तो भूल ही गया कि जीन्स वगैरह भी एग्जिस्ट करते हैं। सिट डाउन कॉमेडी। हाँ, वर्क फ्रॉम होम में वर्किंग आवर 8 से बढ़कर 24 घंटे हो गए, लेकिन उसके बाद में भी हम गिल्ट में रहते हैं कि कंपनी के लिए कुछ कर नहीं रहे यार, कहीं ये नौकरी से ना निकाल दें। सो बेसिकली वर्क फ्रॉम होम वाली नौकरी और लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप ये बिल्कुल एक ही जैसे हैं, बड़े ही अनसर्टेन हैं, पता नहीं कब खत्म हो जाए। सिट डाउन कॉमेडी। हाल ही में वैलेंटाइंस वीक निकला है, यूं सिंगल रहना बुरा नहीं लगता, मगर ये जो वीक है और इस वीक में जो कमिटेड लोगों के चोचले हैं ये बुरा महसूस करा ही देते हैं। सिंगल लोग सरकार से ये डिमांड कर रहे हैं कि इस एक हफ्ते के लिए हर साल लॉकडाउन कर ही दिया करो। घर में बंद ना देखेंगे ना जलेंगे। प्रपोजल किसी और का एक्सेप्ट हो रहा है, सीने पर सांप किसी और के लौट रहा है। मतलब दोस्त के नंबर खुद से ज्यादा आने पर जितना बुरा लगता है उससे दोगुना ज्यादा बुरा लगता है जब खुद सिंगल और दोस्त की गर्लफ्रेंड बन जाए। अगला पॉइंट भी यही है कि वैलेंटाइंस वीक से सिंगल लड़कों को इतनी उम्मीदें होती हैं जितनी
अमन भाई बीटेक मैकेनिकल में लड़कियां होने की जितनी स्टूडेंट को ऑनलाइन एग्जाम से पास होने की जितना प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज वालों को टीसीएस से होती है और जितना बीटेक के बाद प्लेसमेंट होने की जितनी स्टार किड को करण जोहर से भी हो सकती है। बहुत आर्ट सिट डाउन कॉमेडी। वैलेंटाइन वीक से बड़ी उम्मीद होती है लड़कों को, ऐसा लगता है इनको जैसे सरकार पल्स पोलियो अभियान की तरह गर्लफ्रेंड ले लियो अभियान चला करके सबको दो बूंद प्यार के देने वाली। सिट डाउन कॉमेडी। सिट डाउन कॉमेडी।